नमस्कार। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, इंडस्ट्री और एकेडेमिया से जुड़े सभी साथी, कृषि विज्ञान केंद्रों में जुड़े हुए हमारे सभी किसान भाई बहन, देवियों और सज्जनों, ये सुखद संयोग है कि 3 साल पहले आज ही के दिन पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत की गई थी। ये योजना आज देश के छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। इसके तहत देश के 11 करोड़ किसानों को लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इस योजना में भी हम स्मार्टनेस का अनुभव कर सकते हैं। सिर्फ एक क्लिक पर 10-12 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर होना, ये अपने आप में किसी भी भारतीय को, किसी भी हिंदुस्तानी को गर्व करने वाली बात है। साथियों, बीते 7 सालों में हमने बीज से बाजार तक ऐसे ही अनेक नई व्यवस्थाएं तैयार की हैं, पुरानी व्यवस्थाओं में सुधार किया है। सिर्फ 6 सालों में कृषि बजट कई गुना बढ़ा है। किसानों के लिए कृषि लोन में भी 7 सालों में 2.5 गुना की बढ़ोतरी की गई है। कोरोना के मुश्किल काल में भी स्पेशल ड्राइव चलाकर हमने 3 करोड़ छोटे किसानों को केसीसी की सुविधा से जोड़ा है। इस सुविधा का विस्तार एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन और फिशरीज से जुड़े किसानों के लिए भी किया गया है। माइक्रो इरिगेशन का नेटवर्क जितना सशक्त हो रहा है, उससे भी छोटे किसानों को बहुत मदद मिल रही है। साथियों, इन्हीं सब प्रयासों के चलते हर साल किसान रिकॉर्ड प्रोडक्शन कर रहे हैं और एमएसपी पर भी खरीद के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती को प्रोत्साहन देने के कारण आज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का मार्केट अब 11,000 करोड़ का हो चुका है। इसका एक्सपोर्ट भी 6 वर्षों में 2,000 करोड़ से बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो रहा है। साथियों, इस वर्ष का एग्रीकल्चर बजट बीते सालों के इन्हीं प्रयासों को कंटिन्यू करता है, उनको विस्तार देता है। इस बजट में कृषि को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के लिए मुख्य रूप से 7 रास्ते सुझाए गए हैं। पहला, गंगा के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर के दायरे में नेचुरल फार्मिंग को मिशन मोड पर कराने का लक्ष्य है। उसमें हर्बल मेडिसिन पर भी बल दिया जा रहा है, फल फूल पर भी बल दिया जा रहा है। दूसरा, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में आधुनिक टेक्नोलॉजी किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा, खाद्य तेल के इंपोर्ट को कम करने के लिए मिशन ऑयल पाम के साथ साथ तिलहन को जितना हम बल दे सकते हैं, उसको सशक्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं और इस बजट में इसको बल दिया गया है। इसके अलावा चौथा लक्ष्य है कि खेती से जुड़े उत्पादों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए
पीएम गति शक्ति प्लान द्वारा लॉजिस्टिक की नई व्यवस्था बनाई जाएगी। बजट में पांचवां समाधान दिया गया है कि एग्री वेस्ट मैनेजमेंट को अधिक ऑर्गेनाइज किया जाएगा, वेस्ट टू एनर्जी के उपायों से किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। छठा सॉल्यूशन है कि देश के 1.5 लाख से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिस में रेगुलर बैंकों जैसी सुविधाएं मिलेगी ताकि किसानों को परेशानी ना हो। और सातवां ये कि एग्री रिसर्च और एजुकेशन से जुड़े सिलेबस में स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आज के आधुनिक समय के अनुसार बदलाव किया जाएगा। साथियों, आज दुनिया में हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल के प्रति जागरूकता बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इसका मार्केट भी बढ़ रहा है। हम इससे जुड़ी जो चीजें हैं जैसे नेचुरल फार्मिंग है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इसकी मदद से इसके मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। नेचुरल फार्मिंग के फायदे जन जन तक पहुंचाने में हमारे कृषि विज्ञान केंद्र और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को पूरी ताकत से जुटना होगा। हमारे केवीकेस एक एक गांव गोद ले सकते हैं। हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी 100 या 500 किसानों को अगले एक साल में नेचुरल खेती की तरफ लाने का लक्ष्य रख सकती है। साथियों, आजकल हमारी मिडिल क्लास फैमिलीज में, अपर मिडिल क्लास फैमिलीज में एक और ट्रेंड दिखता है। अक्सर देखने में आता है कि उनके डाइनिंग टेबल पर कई सारी चीजें पहुंच गई हैं, प्रोटीन के नाम पर, कैल्शियम के नाम पर, ऐसे कई प्रोडक्ट्स का डाइनिंग टेबल पर जगह बना रहे हैं। इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट विदेश से आ रहे हैं और ये भारतीय टेस्ट के अनुसार भी नहीं होते, जबकि ये सारे प्रोडक्ट हमारे भारतीय उत्पादक जो हमारे किसान पैदा करते हैं उसमें सब कुछ है, लेकिन हम सही ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं, उसका मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। और इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, इसमें भी वोकल फॉर लोकल जरूरी है। भारतीय अन्न, भारतीय फसलों में भी वो बहुतायत में पाया ही जाता है और ये हमारे टेस्ट का भी होता है। दिक्कत ये है कि हमारे यहां इसकी उतनी जागरूकता नहीं है, काफी लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। कैसे हम भारतीय अंड को प्रसारित करें, इस और भी हमें ध्यान देना होगा। हमने देखा है कि कोरोना काल में हमारे यहां के मसाले, हल्दी जैसी चीजों का आकर्षण बहुत बड़ा है। साल 2023 इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, इसमें भी हमारा कॉरपोरेट जगत आगे आए, भारत के मिलेट्स की ब्रांडिंग करे, प्रचार करे, हमारा जो मोटा धन है। और हमारे दूसरे देशों में जो बड़े मिशन्स हैं वो भी अपने देशों में बड़े बड़े सेमिनार करें, वहां के लोगों को, जो इंपोर्टर्स हैं वहां, उनको समझाएं कि भारत के जो मिलेट्स हैं, जो भारत का धान है, वो कितने प्रकार से उत्तम है, उसके टेस्ट की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। हम हमारे मिशनों को लगा सकते हैं, हम सेमिनार वेबिनार इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बीच हमारे मिलेट्स के संबंध में कर सकते हैं। भारत के मिलेट्स की न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी ज्यादा है, इस पर हम बल दे सकते हैं। साथियों, आपने देखा है कि हमारी सरकार का बहुत ज्यादा जोर सॉयल हेल्थ कार्ड पर रहा है। देश के करोड़ों किसानों को सरकार ने सॉयल हेल्थ कार्ड दिए हैं। जिस तरह एक जमाना था, न पैथोलॉजी लैब होती थी, न लोग पैथोलॉजी टेस्ट करवाते थे, लेकिन अब कोई भी बीमारी आई तो सबसे पहले पैथोलॉजी चेकअप होता है, पैथोलॉजी लैब में जाना होता है। क्या हमारे स्टार्टअप्स, क्या हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स स्थान स्थान पर प्राइवेट
पैथोलॉजी जैसे लैब होती हैं, वैसे ही हमारी धरती माता, हमारी जमीन, उसके सैंपल को भी पैथोलॉजिकल टेस्ट कर करके किसानों को गाइड कर सकते हैं। सॉयल हेल्थ की जांच ये लगातार होती रहे, ये हमारे किसानों को अगर हम आदत डालेंगे तो छोटे छोटे किसान भी हर साल एक बार सॉइल टेस्ट जरूर करवाएंगे। और इसके लिए पैथोलॉजी, इस प्रकार की सॉइल टेस्टिंग की लैब का एक पूरा नेटवर्क खड़ा हो सकता है, नए इक्विपमेंट बन सकते हैं। मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, स्टार्टअप को आगे आना चाहिए। हमें किसानों में भी ये जागरूकता बढ़ानी होगी, उनका सहज स्वभाव बनाना होगा कि वो एक दो साल में अपने खेत की मिट्टी का टेस्ट करवाएं और उसके मुताबिक उसमें कौन सी दवाइयों की जरूरत है, कौन से फर्टिलाइजर की जरूरत है, किस फसल के लिए उपयोगी है, उसको उनको एक साइंटिफिक ज्ञान मिलेगा। आपकी जानकारी में है कि हमारे युवा वैज्ञानिकों ने नैनो फर्टिलाइजर डेवलप किया है। ये एक गेम चेंजर बनने वाला है। इसमें भी काम करने लेके हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड के पास बहुत संभावनाएं हैं। साथियों, माइक्रो इरिगेशन भी इनपुट कॉस्ट कम करने का और ज्यादा प्रोडक्शन का बहुत बड़ा माध्यम है और एक प्रकार से एनवायरनमेंट की भी सेवा है। पानी बचाना ये भी आज मानव जात के लिए बहुत बड़ा काम है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप पर सरकार का बहुत जोर है और ये समय की मांग भी है। इसमें भी व्यापार जगत के लिए बहुत संभावनाएं हैं कि इस क्षेत्र में आप आइए। अब जैसे केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड में क्या परिवर्तन आएंगे ये आप सब भली भांति जानते हैं। जो कृषि सिंचाई योजनाएं देश में दशकों से अटकी हुई हैं, उन्हें भी तेजी से पूरा किया जाना चाहिए। साथियों, आने वाले 3-4 सालों में हमने एडिबल ऑयल प्रोडक्शन को अभी के लगभग 50% तक बढ़ाने का जो लक्ष्य रखा है, उसको हमें समय पर हासिल करना है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के तहत ऑयल पाम की खेती में विस्तार में बहुत पोटेंशियल है और भी तिलहन के क्षेत्र में हमें बहुत बड़ी मात्रा में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्रॉप पैटर्न के लिए, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए बढ़ावा देने के लिए भी हमारे एग्री इन्वेस्टर्स को भी आगे आना चाहिए। जैसे भारत में किस तरह की मशीनें चाहिए इस बारे में इंपोर्टर्स को पता होता है, वो जानते हैं कि किस तरह की चीजें चलेगी। इसी तरह से हमारे यहां फसलों की जानकारी होनी चाहिए। जैसे अभी तिलहन और दलहन का ही उदाहरण ले, देश में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। ऐसे में हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड को इसमें आगे आना चाहिए। ये आपके लिए एक एश्योर मार्केट है, विदेश से लाने की क्या जरूरत है। आप किसानों से पहले से कह सकते हैं कि हम इतना फसल आपसे लेंगे, अब तो इंश्योरेंस की व्यवस्था है तो इंश्योरेंस के कारण सुरक्षा तो मिल ही रही है। भारत की फूड रिक्वायरमेंट की स्टडी हो और जिन चीजों की आवश्यकता है उसे भारत में ही प्रोड्यूस करने की दिशा में हम सबको मिलकर के काम करना चाहिए। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 21वीं सदी में खेती और खेती से जुड़े ट्रेड को बिल्कुल बदलने वाली है। किसान ड्रोन्स का देश की खेती में अधिक से अधिक उपयोग इसी बदलाव का हिस्सा है। ड्रोन टेक्नोलॉजी एक स्केल पर तभी उपलब्ध हो पाएगी जब हम एग्री स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे। पिछले 3-4 वर्षों में देश में 700 से ज्यादा एग्री स्टार्टअप तैयार हुए हैं। साथियों, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर बीते 7 सालों में काफी काम हुआ है। केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि प्रोसेस फूड का दायरा बढ़े, हमारी क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की हो। इसके लिए किसान संपदा योजना के साथ ही PLI स्कीम महत्वपूर्ण है। इसमें वैल्यू चेन की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए 1,00,000 करोड़ रुपए का विशेष एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है।
आपने देखा है कि कुछ दिन पहले ही भारत ने यूएई, गल्फ कंट्रीज के साथ, अबू धाबी के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। इसमें फूड प्रोसेसिंग में सहयोग बढ़ाने के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए हैं। साथियों, एग्री रेसिड्यू, जिसे पराली भी कहते हैं, उसका मैनेजमेंट किया जाना भी उतना ही जरूरी है। इसके लिए इस बजट में कुछ नए उपाय किए गए हैं, जिससे कार्बन एमिशन भी कम होगा और किसानों को इनकम भी होगी। और ये हम सबको, जो वैज्ञानिक या टेक्नोलॉजी के दिमाग के लोग हैं, कृषि जगत का एक भी वेस्ट बर्बाद नहीं होना चाहिए, हर वेस्ट का वेल्थ में कन्वर्जन होना चाहिए। हमें बारीकी से सोचना चाहिए, इसके लिए नई नई चीजें लानी चाहिए। पराली के मैनेजमेंट के लेकर के हम जो भी समाधान कर रहे हैं, वो किसानों के, उनके लिए भी उसको स्वीकार करना बड़ा आसान हो जाएगा। इस पर बातचीत होनी चाहिए। पोस्ट हार्वेस्टिंग वेस्ट हमारे यहां किसानों के लिए बड़ी चुनौती है। अब उसको, वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट कर देंगे तो किसान भी सक्रिय रूप से हमारा साथी बनकर के भागीदार बन जाएगा। ऐसे में लॉजिस्टिक्स और स्टोरेज की व्यवस्था को बढ़ावा, उसे विस्तार देते रहना बहुत जरूरी है। सरकार इसमें काफी कुछ कर रही है, लेकिन हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, उसे भी इस क्षेत्र में अपना योगदान बढ़ाना होगा। और मैं बैंकिंग सेक्टर को भी कहूंगा, बैंकिंग सेक्टर भी हमारे प्रायोरिटी लेंडिंग में इन सारी चीजों को कैसे बल दें, टारगेट कैसे तय करें, उसका मॉनिटरिंग कैसे करें। अगर हम बैंकों के द्वारा इस क्षेत्र में अगर धन मुहैया कराएंगे, तो हमारे प्राइवेट सेक्टर के छोटे छोटे लोग भी बहुत बड़ी मात्रा में इस क्षेत्र में आएंगे। मैं एग्रीकल्चर क्षेत्र में मौजूदा प्राइवेट प्लेयर से कहना, इसे भी वो अपनी प्राथमिकता से रखें। साथियों, एग्रीकल्चर में इनोवेशन और पैकेजिंग दो ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर और ज्यादा ध्यान दिए जाने की जरूरत है। आज दुनिया में कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, तो पैकेजिंग और ब्रांडिंग, इसका बहुत महत्व है। फलों की पैकेजिंग में हमारे कॉरपोरेट हाउसेस को, एग्री स्टार्टअप्स को बड़ी संख्या में आगे आना चाहिए। इसमें भी जो एग्री वेस्ट होता है, उससे बेस्ट पैकेजिंग कैसे की जा सकती है, उस और उन्हें ध्यान देना चाहिए। वो इसमें किसानों की मदद करें और इस दिशा में अपनी योजनाएं बनाएं। भारत में फूड प्रोसेसिंग और इथेनॉल में निवेश की बहुत संभावनाएं बन रही हैं। सरकार इथेनॉल की 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य लेकर चल रही है। एश्योर मार्केट है। 2014 से पहले जहां 1-2% इथेनॉल ब्लेंडिंग होती थी, वहीं अब ये 8% आसपास पहुंच चुकी है। इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाने के लिए सरकार काफी इंसेंटिव दे रही है। इस क्षेत्र में भी हमारे व्यापारी जगत आगे आए, हमारे बिजनेस हाउसेस आगे आए। एक विषय नेचुरल जूसेस का भी है। इसकी पैकेजिंग का बहुत महत्व है। ऐसी पैकेजिंग जिससे उस प्रोडक्ट की आयु लंबी हो, वो ज्यादा से ज्यादा दिनों तक चले, इस और भी काम किया जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहां इतनी विविधता वाले फल होते हैं। और भारत में नेचुरल जूसेस, हमारे जो फलों के रस है, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारी वैरायटीज हैं। हमें बाहर की नकल करने के बजाय भारत में जो नेचुरल जूसेस है, उसे प्रमोट करना चाहिए, पॉपुलर करना चाहिए। साथियों, एक और विषय है कोऑपरेटिव सेक्टर का। भारत का कोऑपरेटिव सेक्टर काफी पुराना है, वाइब्रेंट है। चाहे वो चीनी मिले हो, खाद कारखाने हो, डेयरी हो, ऋण की व्यवस्था हो, अनाज की खरीद हो, कोऑपरेटिव सेक्टर की भागीदारी बहुत बड़ी है। हमारी सरकार ने इससे जुड़ा नया मंत्रालय भी बनाया है, और उसका मूल कारण किसानों की ज्यादा से ज्यादा मदद करने का है। हमारी कोऑपरेटिव में एक वाइब्रेंट बिजनेस एंटिटी बनाने का
बहुत स्कोप होता है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि कोऑपरेटिव को एक सफल बिजनेस एंटरप्राइज में कैसे बदलें। साथियों, हमारे जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वो आगे आए और एग्री स्टार्टअप को, फार्म प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन एफपीओस को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद करें। हमारे देश के छोटे किसानों का खेती पर होने वाला खर्च कम करने में एक बड़ी भूमिका भी आप सभी निभा सकते हैं। जैसे हमारा छोटा किसान खेती में इस्तेमाल होने वाले आधुनिक उपकरण नहीं खरीद सकता, इसका एक समाधान है, छोटा किसान कहां से लाएगा? और उसको आज लेबरर भी बहुत कम मिलते हैं। ऐसी स्थिति में हम एक नए तरीके से सोच सकते हैं क्या? पुलिंग का। हमारे कॉरपोरेट जगत को ऐसी व्यवस्थाएं बनाने के लिए आगे आना चाहिए जिसमें खेती से जुड़े उपकरणों को किराए पर देने की सुविधा हो। हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता के साथ ही ऊर्जादाता बनाने के लिए बड़ा अभियान चला रही है। देश भर के किसानों को सोलर पंप वितरित किए जा रहे हैं। हमारे ज्यादा से ज्यादा किसान खेतों में कैसे सोलर पावर पैदा करें, इस दिशा में भी हमने अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए। उसी प्रकार से मेड़ पर पेड़, हमारे जो खेत की सीमा होती है, आज हम टिम्बर इंपोर्ट करते हैं। अगर हम हमारे किसानों को साइंटिफिक तरीके से अपनी मेड़ पर इस प्रकार के टिम्बर के लिए प्रेरित करें तो 10-20 साल के बाद उसकी आय का एक नया साधन वो बन जाएगा। सरकार उसमें कानूनी आवश्यक जो भी बदलाव है वो भी करे। साथियों, किसानों की आय बढ़ाना, खेती का खर्च कम करना, बीज से बाजार तक किसानों को आधुनिक सुविधाएं देना, ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। मुझे विश्वास है आपके सुझावों से सरकार के प्रयासों को और हमारा किसान जो सपने देख करके कुछ करना चाहता है उन सबको बल मिलेगा। और मुझे विश्वास है कि आज हम कृषि के एक नेक्स्ट जनरेशन पर चर्चा करना चाहते हैं, परंपरागत पद्धतियों से बाहर आने के लिए सोचना चाहते हैं। बजट के लाइट में, बजट में जिन चीजों का प्रावधान किया गया है उसी के लाइट में हम अच्छा कैसे कर सकते हैं। और हमारी आपसे मेरा आग्रह यही है, इस सेमिनार में ही निकलना चाहिए, 1 अप्रैल से ही नया बजट जिस दिन लागू होगा उसी दिन हम चीजों को रोल आउट कर दें, काम शुरू कर दें। अभी हमारे पास पूरा मार्च महीना है, बजट ऑलरेडी संसद में रख दिया गया है, अब वो बजट ही हमारे सामने है। ऐसी स्थिति में हम समय न खराब करते हुए जून जुलाई में हमारा किसान खेती का नया वर्ष प्रारंभ करे, उसके पहले इस मार्च महीने में सारी तैयारी कर लें, अप्रैल में हम किसानों तक चीजों को पहुंचाने का प्लान करें, उसमें हमारा कॉरपोरेट वर्ल्ड आए, हमारा फाइनेंशियल वर्ल्ड आए, हमारे स्टार्टअप आए, हमारे टेक्नोलॉजी के लोग आए। हम भारत की आवश्यकताओं को, कृषि प्रधान देश है, हमें एक तसुभर चीज बाहर से नहीं लानी चाहिए, देश की आवश्यकताओं के अनुसार हमें तैयार करना चाहिए। और मुझे विश्वास है अगर हम हमारे किसानों को, हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज को, हमारे एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को इन सारे कामों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर के आगे बढ़ेंगे तो सच्चे अर्थ में बजट ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं रहेगा। बजट जीवन परिवर्तन, कृषि परिवर्तन, ग्राम जीवन परिवर्तन का एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ये सेमिनार, ये वेबिनार बहुत ही प्रोडक्टिव होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए, सारे एक्शनेबल पॉइंट के साथ होना चाहिए और तभी जाकर के हम परिणाम ला सकेंगे। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस क्षेत्र से जुड़े देश भर के लोग आज इस वेबिनार से जुड़े हैं, इसके कारण डिपार्टमेंट को भी बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन आपकी तरफ से मिलेगा, सीमलेसली चीजों को लागू करने का रास्ता निकलेगा
और हम तेजी से साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। मैं फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं शुभकामनाएं देता हूं।